हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऑक्सीजन कैसे बनता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हॉस्पिटल तक। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि मेडिकल ऑक्सीजन या हॉस्पिटल में दी जाने वाली ऑक्सीजन बनती कैसे है। वर्तमान में भारत में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने से ऑक्सीजन की खपत लगातार बढ़ रही है, जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता भी बढ़ गई है। भारत में ऑक्सीजन की उत्पादन बड़े स्तर में होता है, लेकिन 85% से भी अधिक ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज़ में खपत हो जाती है, जहां स्टील प्लांट आदि प्लांटों में इसका यूज़ होता है। दोस्तों, एक सवाल के दिमाग में और आता होगा कि ऑक्सीजन हवा में मौजूद है तो ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, ऑक्सीजन को हवा से अलग करके बनाई जाती है। इस हवा में ढेर सारे 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन जैसे आदि गैस भी मौजूद होता है। इनमें से ऑक्सीजन को अलग करके बनाया जाता है। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन बनाने की विधि। हवा को सर्वप्रथम फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे कि हवा में उपस्थित तेल या धूल के कण बाहर निकल जाए। इसके बाद हवा को कंप्रेसर में डाला जाता है, जहां उसको तेज गति से दाब के साथ कंप्रेस किया जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है। अगले चरण में प्यूरिफिकेशन यूनिट में डाला जाता है, जहां पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि जो है बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हवा को 173 डिग्री सेल्सियस या 183 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, जहां गैस लिक्विड में बदल दिया जाता है। अब बारी आती है सेपरेशन टैंक की, जहां उच्च दाब पर प्रवाहित किया जाता है। सभी गैस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है, जिससे कि अलग अलग चैम्बर में वह बैठ जाता है। इस प्रकार द्रव, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों में यह विभक्त हो जाती है या अलग हो जाती है। तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो दोस्तों, लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों वाले गाड़ी में भरकर उसको पहुंचाया जाता है। यह टैंकर क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को ठंडा रखते हैं। साथ में इसे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है, वहां से अलग अलग हॉस्पिटल पर स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से सीधे अस्पताल में पहुँचा दिया जाता है। तो ये था ऑक्सीजन बनाने की विधि। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।